How to stay motivated in financial trading? Refrain from comparing with other traders? Have realistic expectations in your trading? Take time out every once in a while. Remember the times you were successful. Reward yourself after a profitable session. नमस्कार दोस्तों, करेंसी मंथली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2023। डॉलर इंडेक्स एनुअल 31st दिसंबर तक जो क्लोजिंग था, बेसिकली आपका 30th ऑफ दिसंबर तक, तो वो था आपका 103.50 पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है 102 से 104 टू बी प्रेसाइज, टू बिगेस्ट का ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। ये एक प्रोबेबल सपोर्ट जोन है। previously it acted as a resistance zone, currently we may expect some sort of support here. agar hum isko weekly mein dalenge, weekly mein bhi aapka price actions agar dekhoge, price actions mein continuously lower low formations ho raha hai, and rsi terms mein ye abhi hai aapke 38.79 pe, and daily pe agar hum dekhenge, daily pe kafi consolidation ho raha hai। वैसे भी न्यू ईयर हॉलीडेज के लिए मार्केट जो एक्टिव होने वाला है, प्रोबेबली फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी से मार्केट थोड़ा एक्टिव होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम तीनों टाइम फ्रेम को एक कॉम्बाइंड हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे, तो पहला वाला आपका है डेली, दूसरा वाला है वीकली, तीसरा वाला है आपका मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मंथली पे RSI above 60 से बिलो 60 पे आया है, हल्का सा जो उसका जो स्ट्रेंथ है थोड़ा सा हल्का सा वीक हुआ है। अगर वीकली में देखेंगे इट इज इट एट 40 एरिया, तो यहाँ पे देखना है कि क्या ये सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर हम इसको डेली में देखेंगे, डेली में लॉन्ग कंसोलिडेशन ये लेवल पे हो रहा है। So, ये करंट लेवल पे 9 तारीख के बाद से हमें थोड़ा सा देखना है कि प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। डॉलर रुपी जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो है 82.71। मंथली में अगर हम देखेंगे, अक्टूबर मंथ में एक सुपर बुलिश कैंडल दिया था। बेसिकली आपका जो अक्टूबर का प्राइस एक्शन है, इट्स ए कंटिन्यूएशन फ्रॉम फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स। फेब्रुवरी से नॉनस्टॉप ये मंथली बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद फर्स्ट टाइम मंथली बेसिस पे ये नवंबर मंथ में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, बट दिसंबर में फिर दोबारा उसको एनगल्फ करने का प्रयास कर रहा है, हालांकि टोटल एनगल्फिंग नहीं है। तो मंथली टाइम फ्रेम में इसको अगर नेगेटिव कंसीडर करना है, ओनली व्हेन नवंबर मंथ का जो लो है उसके लो के नीचे अगर मंथली क्लोज दे देता है, देन एंड ओनली देन हम थोड़ा सा रुपी में स्ट्रेंथ देख सकते हैं। वो लेवल जो है दैट इज 80.47। वीकली में अगर हम देखेंगे तो फिलहाल एक आउटसाइड इनसाइड वाला पैटर्न्स आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड कैंडल फॉर्मेशंस हुआ है, दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये 80.00 से 80.50 की तरफ जाने का इंडिकेशंस है। लेकिन यहाँ पे आपका टेक्निकल एंड एक्चुअल जो मार्केट है वहां पे काफी क्लैश हो रहा है। व्हाट इट मींस, टेक्निकली इट वाज सपोज टू मूव डाउनवर्ड, दैट इज रुपी सपोज टू एप्रिशिएट, लेकिन वो काफी समय से हम एप्रिसिएशन देख नहीं रहे हैं। दैट बीइंग द केस, ऑल्दो
आउटसाइड इनसाइड का जो हमारा इमीडिएट टारगेट है वो 80 से 80.50 का है, लेकिन अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करेंगे काफी कंसोलिडेशन है। जब भी रुपी लोअर लेवल पे आते हैं 80 to 40 80 to 30 लेवल्स में आते हैं तो इनविजिबल हैंड्स आर बाय, दैट इज द कॉशन और द अलर्ट दैट वी आर हैविंग। व्हाट इट मींस, यानी ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे देता है 83.20 83.30 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। अभी आते हैं हमारा जीबीपी डॉलर एनालिसिस पे। जीबीपी डॉलर आप अगर मंथली देखोगे ये बिलो 40 से करीबन 24 आरएसआई लेवल से ये अबव 40 में जाके 41.56 में मंथली क्लोजिंग दिया है एंड वीकली पे ये 40 पे रेजिस्ट 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे आप जब वीकली कैंडल यहाँ पे आया था हम लोग अलर्ट और अवेयर थोड़ा होने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप नहीं करना है बिकॉज आरएसआई इज फेसिंग ए रेजिस्टेंस जोन। एंड अगर हम इसको डेली में देखने का प्रयास करेंगे तो डेली में आप देखोगे कि फ्रॉम दिस ऑल मींस रिसेंट जो स्विंग लो है व्हाट इज दैट 1.0356 कब आया था सितंबर 26 को, उसके बाद ये नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाया था यहाँ तक यानी मिड ऑफ दिसंबर तक। उसके बाद 28 दिसंबर के बाद ये जो स्विंग लो था उसको तोड़ के नीचे आया। व्हाट इट सिग्निफाइज, यहाँ पे जो आपका हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन था इसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस लेवल पे झटका लगा, मीन्स थोड़ा सा चेंज इन मार्केट परसेप्शंस। और यहाँ पे हमारा एक आपका एम पैटर्न का भी टारगेट था जो 1.1930 एज द फर्स्ट टारगेट एंड 1.1810 एज द सेकेंड टारगेट, लेकिन वी मंथ आपका लॉन्ग हॉलीडेज के लिए न्यू ईयर के लिए मार्केट पार्टिसिपेशन इज नॉट देयर सो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसको अगर ऊपर जाना है तो इसमें कंटिन्यूअसली हायर दोबारा ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बनाना पड़ेगा तो इसके लिए हमें प्राइस सेक्शंस का इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाने की जगह पे ये अभी नॉन स्टॉप लोअर हाई लोअर लो बनाना क्या चालू करते हैं तो थोड़ा सा हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 1.1650, लेकिन ये सब होगा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से, दैट मीन्स 9th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन हम देखने का प्रयास कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर आपका मंथली जो है इट इज अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 55.55, सो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 103.50 से 104.75 के बीच में एक अच्छा खासा लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस मिलने का एक्सपेक्टेशन। और वीकली में अगर देखेंगे कि ये प्रयास कर रहा है 60 में सपोर्ट लेने का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सिर्फ सिंगल चार्ट में इसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे वीकली चार्ट पे आरएसआई इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। अगर इट सक्सेस इन टेकिंग सपोर्ट तो ये जो रेजिस्टेंस को काफी जल्दी फेस करने का प्रयास करेगा। कौन सा है 103.50 से 104.00 या 104.75 to be precise 103.50 से 104.00 105.00 यानी करीबन 1.5 बीगी का रेजिस्टेंस वहां पे इमीडिएट फेस कर सकता है। वीकली चार्ट में क्या लेवल पे ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव होगा जो करंट वीक का लास्ट वीक का जो लो है उसके लो के नीचे अगर डेली क्लोजिंग दे देता है तो ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा एंड वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग इन दिस करेंसी पेयर। डेली में भी वही है, आप देखोगे
26 सितंबर के बाद कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाया था, एंड ये एक पार्टिकुलर जगह पे आने के बाद ये सुई लो को चैलेंज कर रहा है कॉन्फिडेंटली, अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो डेली बेसिस में यहाँ पर भी हमें देखना है क्या ये दोबारा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है या लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट वन हमें आने वाले दिनों में जीबीपी आयरन का एक व्यू बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर मंथली क्या हुआ है, बिलो 40 से अबव 40 में जाके 45.79 पे जाके क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आपका हो सकता है 1.08 के आसपास। वीकली में अगर हम देखेंगे ये अबव 60 में जाके एक बुलिशनेस बनाने का प्रयास कर रहा है। ये जो मंथली क्लोजिंग दिया 1.07 पे, सो और थोड़ा सा रूम है एक बीगी का ऊपर ऊपर में अपसाइड एक रूम है, उसके बाद हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वो अप्रोचिंग ए रेजिस्टेंस जोन। अभी अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली में हम क्या देख रहे हैं, एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन। आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन में देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है टुवर्ड्स द सेंटर बैंड और टुवर्ड्स द नेक लाइन दैट इज एट 1.0775 यहां तक आ सकता है। और यहां पे एक ब्रॉडर प्राइस सेक्शन देखेंगे तो ये एक चैनल पे फंसा हुआ है, सो एक राइजिंग चैनल है। यहां पे हम थोड़ा सा मींस बाय डिप्स में कंसीडर कर सकते हैं विद फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 1.08। उसके बाद हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि अभी थोड़ा सा मींस रेजिस्टेंस जोन अप्रोच कर सकता है। यूरो आईएनआर पे अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, यूरो आईएनआर पे आप देखोगे ये 38 हाफ में मंथली आरएसआई सपोर्ट लेने के बाद ऊपर अभी अबव 60 है 61.80, तो यहाँ पे अच्छा खासा बुलिशनेस है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई। लेकिन आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 89.25 से 90.75 के बीच में, यानी देर बीगी का एक इमीडिएट मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे वीकली में आप देखोगे कि सुपर बुलिश मोमेंटम है। ये जो सुपर बुलिश मोमेंटम है इसको थोड़ा सा और चार्ट को बड़ा करके देखने का प्रयास करते हैं तो आप देखोगे नॉन स्टॉप कहाँ से आपका मोर और लेस ये लेवल से 26 सितंबर के बाद से नॉन स्टॉप ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल दिख रहा था लेकिन आपका 7 नवंबर के बाद 2 महीने में ये सुपर बुलिश हो गया। व्हाट इट इंडिकेट्स, ये सेंटर बैंड से काफी दूर में है। दैट बीइंग द केस करंट लेवल पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए लॉन्ग बिल्डअप के लिए क्योंकि प्राइस ऑलवेज अपना मीन के तरफ आने का प्रयास करता है। दैट बीइंग द केस आने वाले दिनों में हमें प्राइस एक्शन को इंतजार करना पड़ेगा, क्या ये सेंटर बैंड की तरफ आता है या टाइम करेक्शंस होता है कि प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करेगा एंड आपका जो सेंटर बैंड या 20 मूविंग एवरेज है वो प्राइस की तरफ जाएगा। एज यू ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्शंस, वन इज द प्राइस करेक्शन, यहाँ पे प्राइस सेंटर बैंड की तरफ यानी मूविंग एवरेज की तरफ आ सकता है, दैट इज द प्राइस करेक्शन। दूसरा वाला होता है टाइम करेक्शन, जहां पे प्राइस कंसोलिडेट करेगा एंड टाइम पास करेगा बट जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस की तरफ आने का प्रयास कर सकता है। अभी आते हैं डेली पे। डेली पे भी एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस वहां पे आ चुका है, सो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, करंट लेवल पे ब्लाइंडली बाय नहीं करना चाहिए। अभी आते हैं डॉलर येन पे। डॉलर येन का ये आगे आपका डॉलर येन का जहां पे हम क्या देखते हैं कि ये रिसेंट जो हाई मार्क आया है 151.94 यहाँ पे हाई मारने के बाद अच्छा खासा करेक्शन हम यहाँ पे देखे हैं और येन में काफी एप्रिसिएशन देखा गया। ये जो दिसंबर का मंथली क्लोजिंग है वो है 131.10। अभी देखने वाला बात क्या है, आरएसआई मंथली नियर बाय 60 में है, वो
अबोव 57.63, दैट बीइंग द केस हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है, वीकली में ये 40 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। ऑल्सो जो सपोर्ट लेवल है, प्राइस सपोर्ट लेवल पे अटका हुआ है, कौन सा सपोर्ट लेवल है आपका, ये है 130.25 से 131.25 के बीच में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, प्राइस क्या कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल करेगा उसके, क्योंकि आरएसआई टर्म्स में यहाँ पे रिवर्सल होने का एक संभावना हो सकता है। सो शॉर्ट बिल्डअप, फ्रेश लेवल पे शॉर्ट बिल्डअप नहीं करना चाहिए टिल ये जो जोन है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन के बाद अगर रिवर्स करता है तो हम थोड़ा सा लॉन्ग के लिए प्रयास कर सकते हैं। अभी हम आते हैं येन आईएनआर पे, येन आईएनआर पे मंथली अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया, बिलो 40 से अभी 51.18 आरएसआई टर्म्स में है, एंड आपका जो वीकली है यहाँ पे आपका अबोव 60 में जाके 69.57 में है, एंड डेली में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया है, दैट बीइंग द केस अभी थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा और ड्रिल डाउन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस था 0.6120 से 0.6150 के बीच में, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन क्या कब किया, ये किया था आपका 20th दिसंबर, यहाँ का स्पेशलिटी क्या था, बीओजे का रेट डिसीजन था, वहां पे काफी अपने मॉनेटरी पॉलिसीज को ट्वीक किया था, एंड अपना बिकॉज ऑफ विच डॉलर येन में काफी सेल ऑफ देखा गया, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली येन आईएनआर पे अच्छा खासा अपमूव देखा गया। तो उसके बाद आप देखो सपोर्ट कहाँ पे दोबारा यही 0.61 0.6150 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप का इंडिकेशन है, लेकिन कल जाके बाई नहीं करना है, थोड़ा सा पुल बैक देन बाई, पुल बैक बाई, यहाँ पे ये हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर कैंडी पे, डॉलर कैंडी पे मंथली पे आप देखोगे ये 65 के आसपास हाई मारने के बाद फिर बिलो 60 में अभी है 59.16 मंथली पे, एंड डेली पे एक वीकली पे एक रेजिस्टेंस का रेंज शिफ्ट का एक प्रयास कर रहा है, दैट बीइंग द केस अगर हम इसको डेली में थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे तो आप देखोगे मेरा अगर प्रीवियस एनालिसिस आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के नीचे हम एक रेड कैंडल का इंतजार कर रहे थे, काफी टाइम के बाद ये रेड कैंडल नीचे दिया है, एंड उसके बाद हल्का सा सेल ऑफ हुआ, यहाँ पे इसका रिजल्ट हमने देखा नहीं है, इसका मेन रीजन क्या है, मार्केट हॉलीडे मोड में चला गया था इसके लिए इसका इमीडिएट रिजल्ट देखा नहीं है। तो फर्स्ट वीक में हम थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे और सेल ऑप्टिक्स का प्रयास करेंगे। अभी आते हैं ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर मंथली में आप देखोगे आपका 37 के आसपास सपोर्ट लेके मंथली आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रैपिड प्राइस एक्शन मूवमेंट हम अपवर्डली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वीकली में भी एक कंसोलिडेशन में आ गया है, अगर हम इसको डेली में देखने का प्रयास करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये एक रेंज के अंदर में अटक गया, पहला वाला ऊपर की तरफ ये 0.69 एंड नीचे की तरफ आपका ये आ गया 0.66, इस रेंज से ये निकलना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव ऑन ए लोअर टाइम फ्रेम। अभी सीएनएच में देखते हैं, डॉलर सीएनएच में जो मंथली क्लोजिंग दिया है 6.91, यहाँ पे अच्छा खासा एक सीएनएच का एप्रिसिएशन देखा गया है, एंड ये आरएसआई 75 के आसपास मार्केट फिर बिलो 60 आ चुका है, एंड वीकली में भी ये 40-60 के बीच में है, इसको थोड़ा सा डेली में हम प्राइस एक्शंस को लेने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे एक रेंज था 7.01 ऑन द हायर साइड एंड 6.91 ऑन द लोअर साइड, ये रेंज से इसको बाहर जाना है प्रोबेबली ऑन द लोअर साइड, तभी जाके हम यहाँ पे कुछ एक अच्छा खासा एक डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, वो भी पहला जो टारगेट हो सकता है ये वाला टारगेट हो सकता है, व्हाट इज दैट लेवल, दिस लेवल इज एट 6.8450 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट रे एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं ये वाला।
सेल ऑप्टिक्स यहाँ पे डॉलर सीएनएच में हम थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। अभी आते हैं यूके ऑयल। यूके ऑयल मंथली में आप देखोगे एक पिन बार बनाया हुआ है, लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। एंड आरएसआई अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 60 में ले रहा है, यानी यहाँ पे अपर रेंज पे ये एक आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया है, वो है 100 ऑन मंथली टाइम फ्रेम। एंड लोअर में ये जो करंट मंथ का जो लो मारा था करीबन 75.40 के आसपास, ये एक मंथली टाइम फ्रेम में एक रेंज बन चुका है। इसको अगर आइदर साइड जाना है तो इस रेंज के बाहर पहले आना पड़ेगा। वीकली में ये कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा, यही 100 के तरफ एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको डेली में प्राइस एक्शन देखने का प्रयास करेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे अभी प्राइस थोड़ा सा हायर है, हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। फ्रॉम दिस लेवल, कौन सा लेवल, 9th एंड 10th दिसंबर के ऑनवर्ड्स एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। तो दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें फिलहाल शॉर्ट के लिए नहीं देखना है, थोड़ा सा इंतजार करना है जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे डेली बेसिस में क्लोज ना दे। तो एक दूसरा वाला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 89.50 से 92.50 के बीच में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये जो जोन रेजिस्टेंस जोन है ये डेली टाइम फ्रेम में है। दूसरा वाला जो हमने डिस्कस किया था मंथली पे, क्या मंथली पे 100 ऑन द हायर साइड एंड 75 ऑन द लोअर साइड, वो था मंथली टाइम फ्रेम में। ये हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे अगर हमारा कुछ एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशंस होता है तो हम एक सेल ऑफ के लिए इंतजार कर सकते हैं। अभी लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है यूएस 10-ईयर ट्रेजरी। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी पहले मंथली में देख लेते हैं। मंथली में आपका ये हो गया अक्टूबर तक एक अच्छा खासा बुलिशनेस था, नवंबर में एक सेल ऑफ हुआ एंड दिसंबर में फिर दोबारा ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड ट्राइंग टू चैलेंज द इमीडिएट हाई। आरएसआई टर्म्स में देखोगे अभी भी अबव 60 70.50 पे सुपर बुलिशनेस है एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे इट हैज जस्ट क्रॉस्ड 60 फ्रॉम बिलो, तो यहां पर भी एक थोड़ा सा बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं हम डेली पे। डेली पे अगर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये आप देखोगे इस लेवल के बाद ये डबल बॉटम बनाया, वहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा था प्रीवियस एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वैसा ही अब प्राइस एक्शन हुआ है। ये तो हो गया प्रीवियसली, क्या हुआ है, व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द मेन क्वेश्चन। व्हाट नेक्स्ट में अभी हमें अगर प्राइस एक्शन देखना है तो ये फ्रॉम 7th December onwards ये continuously higher low formations हो रहा है। That being the case, pullback में हमें buying का opportunities देखना है। अगर इसको selling देखना है, तो जब तक ये lower high, lower low formations नहीं करता है, तो selling के लिए सोचना नहीं है। Immediate जो resistance zone हो सकता है, वो है आपका 4.00 से आपका 4.15 के बीच में एक बड़ा एक resistance zone आ सकता है। Also one more thing जो हमें दिख रहा है कि immediately एक roll reversal वाला resistance यहाँ पे है currently ये level पे, that is 3.92 के आसपास एक roll reversal resistance आ सकता है। तो हमें यहाँ पे immediately अगर कोई long बनाना चाहते हैं तो long build up नहीं करना चाहिए, pull back then buy कर सकते हैं। So ये जो currency monthly analysis अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये presentation आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का पार्टिसिपेशन, आप सभी का कमेंट्स, आप सभी का लाइक्स एंड आल्सो शेयरिंग विद योर लाइक माइंडेड पीपल बहुत जरूरी है मेरे लिए इस एनालिसिस को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। आल्सो ये जो मेरा प्रयास है एक साल कंप्लीट हो चुका है। पिछले आपका 2021 का दिसंबर सेकेंड हाफ में हमने ये एनालिसिस चालू किया था। सो ये जो एनालिसिस है एक साल कंप्लीट हो चुका है मेरा। ये जो प्रयास है जहाँ पे मैं
खुद भी इवॉल्व हो रहा हूँ एंड आप लोगों को भी मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे मैं प्राइस को देख रहा हूँ, उसका एक प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। सो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का नया साल अच्छा जाए, हेल्थ वाइज मस्त जाए, माइंडसेट वाइज जबरदस्त जाए एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट वाइज झकास जाए। सो धन्यवाद एंड